और खबर भारत में इस वक्त हम आपको बड़ी खबर की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर लीक हुआ और घर में आग लग गई, जहां महिला, बच्चे और युवती और एक युवक की भी झुलसने की खबर आई है। आपको बता दें ये खबर, जिसमें महिला, दो बच्चियां, एक युवती और युवक आग में झुलस गए। 20 क्विंटल गेहूं और करीब 1.5 लाख रुपए भी जलकर खाक हो गए। जान और माल की हानि हुई है और क्या है माजरा, हम आपको सुनवाते हैं कुछ खास बातें। कल की घटना है, 8:30 सुबह जी। और खाना बनाते समय पता ही नहीं है कि कैसे आग लग गई जी सिलेंडर में। अच्छा, आग लगी, कच्चा घर था, एकदम से कच्चा घर आग पकड़ गया, पूरे बच्चे आग के चपेट में आ गए। चपेट में आ गए। अच्छा, फिर कैसे इनको हॉस्पिटल लाए? फिर हम तो सर बजा गए थे, यही थे 5 लोग, बड़ा बच्चा बजा गया था। जब इन लोगों ने फोन लगाया गांव वालों ने कि तुम्हारे घर में आग लग गई सिलेंडर से, हम भागे। फिर जो लोग गांव वाले यहाँ अस्पताल हॉस्पिटल में ले आए ना, हम आ नहीं पाए। आए फिर हमने देखो अपना घर आ देखो, तो फिर गाय देखते भाई लोग बोले जाओ अपना बच्चा देखो, तो जलाई गो। अच्छा, साथ में हमें यहाँ भर्ती करा दिया। भर्ती करा दिया कहाँ? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में तो डॉक्टर देख रहे हैं क्या? जी डॉक्टर साहब, सबका इलाज चल रहा है? सबका इलाज चल रहा है। अब ठीक है हालत? ठीक है, पट्टी अट्टी वगैरह सब हो गई। अच्छा, कल की घटना है, 8:30। जिस तरह से ये खबर है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या था पूरा मामला और फिलहाल स्थिति क्या है घायलों की? जिला अस्पताल में भर्ती हैं सभी। जी जी मैम, क्या हुआ है कि ओरछा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तोड़ना की घटना है। एक महिला खाना बना रही थी और वहीं उनके पास में रहते थे उनके बच्चे जी। सिलेंडर से गैस लीक हुई है, लीक होने से आग धीरे धीरे रिसाव हुई है गैस, तो आग लगना शुरू हो गया है। जैसे ही आनंद फानंद अपने बचाव के लिए बच्चों को लेकर माँ बाहर भागी है, और बचाने के चलते चलते 5 लोग आग में झुलस गए, जिसमें से एक 7 वर्षीय बच्ची ज्यादा गंभीर है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाज अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, क्या किसी तरह की कोई मदद, क्योंकि काफी पैसों का भी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, किसी तरह से शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई हो परिवार को? जी मैम, क्या है लगभग 1 से 1.5 लाख का नुकसान भी हो गया है, घर भी बुरी तरह जल गया है। और शासन प्रशासन क्या है, आज यहाँ कलेक्ट्रेट और नगर पालिका में आरक्षण को लेकर प्रशासन यहाँ व्यस्त था, जिससे अभी तक कोई उसके घर नहीं पहुँचा। क्या कहना परिवार में, उस वक्त कितने लोग थे? 5 लोग थे परिवार में उस टाइम, 5 लोग, जिसमें से 5 लोग झुलस गए हैं एक दूसरे को बचाने के चलते। जी बिल्कुल, वो जो छोटी बच्चियां हैं 2, उनमें से आपने एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई है। जी जी, एक की ज्यादा गंभीर है, एक थोड़ा ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रदीप। और जिस तरह से इस वक्त हम बड़ी खबर पर बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर लीक हो गया और परिवार में उस वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे और 5ों के 5ों आग से झुलस गए, जिसमें संवाददाता की जानकारी के अनुसार जो अपडेट हमें मिल रहा है उसमें एक बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, 2 बच्चियाँ, 1 महिला, शायद बच्चियों की माँ, और 1 युवक और युवती झुलस गए, और यहाँ तक कि कई राशि जो है वो भी, नगद जो है उसका भी, वो भी जलने की खबर है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बनी रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।